तो हेलो भाई, तो कैसे हो सारे? आपका तो सही बढ़िया होंगे। और लास्ट डे रूल्स अवेल की और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो ऐसे ऑपरेशन बेस खेलने वाला था, लेकिन ये है अपना सर्वर का डे नंबर वन। तो इसके पीछे एक रीज़न है, सर्वर नहीं खेल पा रहा हूँ, मतलब ऑपरेशन बेस नहीं खेल पा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओल्ड वाला चल ही नहीं रहा है, बहुत कमज़ोर नेटवर्क है अपने यहाँ का, आप सभी जानते होंगे। तो बस यही एक रीज़न है जिसके कारण मैं ऑपरेशन बेस खेल नहीं रहा हूँ। हाँ, ऑपरेशन बेस के अंदर मैंने एक बेस बनाया है, जो एक टावर टाइप का बेस है, तो काफ़ी बढ़िया बेस बनाया है मैंने, ठीक है। तो पूरा जब बनेगा, ठीक है, तब दिखाऊंगा मैं, अभी तो नहीं बना रहा हूँ उसको, जैसे थोड़ा नेटवर्क थोड़ा सही होने दो उसके बाद। अभी देखो ये इस जो वीडियो को देख रहे हो अभी, ठीक है, तो इस वीडियो को तो मैंने स्टार्ट किया है कल रात को, स्टार्ट किया, ठीक है, कल रात से आज सुबह तक, मतलब कल रात को ऑपरेशन बेस में गया और चल ही नहीं रहा था ओल्ड वाला, तो फिर मैंने सोचा चलो निकलते हैं, फालतू में बहुत दिन गैप होगा इसी अपने यहाँ पर नेटवर्क इशू के चक्कर में। उसके बाद मैं बाहर आया और एक सर्वर देखा, न्यू आया है तो ज्वाइन कर लिया इसी में। तो जैसे कि मैंने बोला था कि दो सर्वर के बाद ऑपरेशन बेस खेलने वाले थे, लेकिन नहीं खेल पाए, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी बदक। तो जो भी हो, सर्वर स्टार्ट कर दिया मैंने, और ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है, किसी एक बंदे को दे सकता हूँ मैं, और बाकी अगर कोई नहीं आएगा तो मैं सोलो खेलूँगा, ठीक है, बस डुओ या सोलो ही खेलने वाला हूँ। मान लो अगर जो ओल्ड बंदे जो नहीं आएंगे, जैसे सुजल, फिर सोना, फिर एसपी अगर नहीं आएगा तो, या कोई दूसरा मस्तू वगैरह अगर नहीं आएगा, तो फिर अपन सोलो ही खेलेंगे, ठीक है। वो तो मस्तू जो है ओल्ड वाला ही खेलता है, ठीक है, वो न्यू वाला नहीं खेलता, लाइट वाला, तो इसलिए उसके तो छोड़ ही दो। और अभी तो ये जो सर्वर स्टार्ट किए हैं तो ये सोलो ही सोलो है फिलहाल। तो आज मेरे पास अभी तक एक्सक्लूसिव की रेसिपी एंड हैंडमेड मिला ही नहीं है भाई, हैंडमेड अभी भी रूम से नहीं मिल रहा, ठीक है। आज पहला दिन है ना सर्वर का, तो शायद इसलिए हैंडमेड मिल नहीं रहा है। एक्सक्लूसिव मिला है क्योंकि शॉप में बाय कर लिए होंगे लोग, तो मतलब शॉप से बाय कर लिए होंगे, तो इसलिए एक्सक्लूसिव मिल गया, ठीक है। तो मेरे पास भी आ गया, मैंने बाय किया, ठीक है, एक बंदे से 120 स्टील से भाई, लिटरली। तो जैसे हैंडमेड आएगा तो डायरेक्ट अपन हैंडमेड की रेसिपी बनाएंगे और उसका डायरेक्ट फिर जो भी सेल करना है सेल करेंगे, ठीक है। और हाँ, सेल करने का ऑप्शन मेरा ओपन हो चुका है, मतलब क्या बोलूँ मैं, वेंडिंग मशीन में लगा पाऊँगा, 5 लेवल हो चुका है और इस वीडियो में लगा भी दिया है और कुछ सामान सेल भी हुआ है, ठीक है। मेरा एक क्या बोलते हैं SMG बैरल, ठीक है, एक SMG बैरल सेल हुआ है मेरा, कुछ 5 टिकट का शायद, तो बढ़िया मज़ा आया, लगाने के कुछ टाइम बाद ही सेल हो गया था, ठीक है वो। बाकी आर्मर मिला है, लेग गार्ड मिला है आयरन का दोनों, और साथ ही साथ और क्या चीज़ है, और कुछ इलेक्ट्रिक गेट वेट सब कुछ, तो उसके बारे में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। रूम वगैरह अभी स्टार्ट कर दिया मैंने, ब्लू रूम तक पहुंच गया हूं मैं, ठीक है, ग्रीन रूम, ब्लू रूम, और रूम से मुझे क्या मिला था, बस SMG, जो मिनी यूजी है, SMG नहीं बोलते, मिनी यूजी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और वैसे आज बेस वही सेम न्यूक्लियर के साइड पे बना है, और न्यूक्लियर पे ऊपर ग्रीन रूम है, नीचे ब्लू रूम है, और साइड में है पर्पल रूम, तो बढ़िया है, ठीक है। आज एक चीज़ हुआ मेरे साथ गाइस, इस वीडियो में तो नहीं है वो चीज़, लेकिन मैं क्या किया हूँ, मुझे लगा कि ब्लू रूम में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं सारे ज़ॉम्बी को मारते मारते सबसे जो लंबा रोड है, ठीक है, वहाँ पर पहुँचा और जाके रूम के सामने देखा वो पर्पल रूम निकल गया। लो, ये हो गया अपने साथ इसका, वैसे मुझे पहले ऊपर देख अच्छे से देखना चाहिए था कि कौन सा रूम किधर है, ठीक है, लेकिन मैं पर्पल रूम में चला गया ब्लू रूम समझ के, और इसी बीच में एनिमी आ गया, ब्लू रूम से कार्ड ले गया, बचाओ, मतलब क्या होगा मेरा, मतलब मेरे सामने भाई लिटरली, मैं यहाँ पे ब्लू रूम कार्ड देखा, मतलब पर्पल कार्ड आया था, ठीक है, ब्लू रूम में, तो उसी को देख के मैं नीचे एंट्री किया शेल्टर के अंदर, और जाते जाते मुझे पर्पल रूम कार्ड के, मतलब पर्पल रूम है उसी के सामने पहुँच गया बस। और जैसे वापस आया देखा कार्ड गायब, फिर ब्लू रूम के अंदर गया तो वहाँ पर लूट सब कुछ गायब हुआ है, बंदा जो है पूरा मार मुझे चला गया था। उसके बाद मैं वापस अपने बेस चला गया, क्योंकि वापस नीचे पर्पल रूम में जाने का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि अगर एनिमी के पास पर्पल कार्ड है तो शायद वो कहीं और भी जा सकता है, और नीचे भी शायद लूट लेने जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अपना क्या बोलते हैं वो न्यूक्लियर वाला बेस है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर के जो पर्पल रूम वाला है ना, तो वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं,
ब्लू रूम कार्ड भी बहुत टाइम तक पड़ा था भाई, मेरे पास मास्क नहीं था करके मैं जा नहीं पाया। जब मास्क आया ना तब मैं वहाँ पर जाने का सोचा और नीचे गया और इसने मेरे कैनिमी उठा के ले गया। बताओ इतना करीब एक डेढ़ घंटे के आसपास कार्ड वैसे ही पड़ा हुआ था ब्लू रूम के अंदर, कोई नहीं जा रहा था। और जब कार्ड आया तब मैं नहीं जा पाया। ठीक चलो छोड़ो इस टॉपिक को, ठीक करते हैं। और मुझे लेकिन पहले फ्यूल चाहिए क्योंकि मैं तो फ्यूल फार्म कर रहा हूँ यहाँ पे। मर गया मैं। वैसे मैं सोच रहा था रिवाइव हो जाऊँ बट नहीं। और यार आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है, ठीक है। और अभी कितना बजे टाइमिंग मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी 6:56 हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे वीडियो अपलोड होगा और वीडियो अपलोड होने के बाद मैं तुरंत चला जाऊँगा घर, ठीक है। आज या फिर फिलहाल मैं एकदम अकेला हूँ और कोई दोस्त वोस्त आया नहीं है। वैसे अक्सर आते रहते हैं लेकिन आज आ नहीं आया, तो थोड़ा अंधेरा होने वाला है। मैं तुरंत वीडियो अपलोड होते ही मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। या फिर रुकूँगा नहीं आज, और जाते ही मैं गेम खेलने बैठ जाऊँगा वापस से। मेरे फ़ोन में चार्जिंग है और दूसरा फ़ोन भी ठीक है भाई, ठीक है। दूसरे फ़ोन में भी अभी जो स्क्रीन का प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है, तो उसमें भी खेल सकता हूँ मैं। और हाँ, सर्वर का नाम ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, डिस्कॉर्ड पे आप आओगे तो ही, क्योंकि पिछली बार भी डिस्कॉर्ड से ही मुझे लगा था स्कैम हुआ अपने साथ, ठीक है। डिस्कॉर्ड से जो बंदा पिछले सर्वर में खेल रहे थे, ठीक है, ये न्यूक्लियर के साइड से गेम बना था मेरा कैमरा स्टोर से भाई, अपना कैमरा लगा दिया भाई, ये क्या बात है। वो डिस्कॉर्ड वाला बंदा था कि उसके साथ में कोई बंदा आया था मुझे नहीं पता, लेकिन स्कैम तो हुआ भाई, पूरा देश मेरा ले लिया बताओ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार बस एक ही बंदे को लूँगा, पूरा तुम पहचान के लूँगा तो अच्छा रहेगा। और बाकी ओल्ड जो हैं उनका तो नंबर भी है मेरे पास, तो कोई टेंशन नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होगा तो वो लोग बताते रहते हैं। तो न्यू बंदे हैं उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है, तो कुछ लोग थोड़ा स्कैमर टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पर मैं ट्राई करता था इस बंदे को मारने का, लेकिन ये एक बंदा इतना कितना फाइट कर रहा है, देखो कि मैं है डैमेज नहीं जा रहा था। हो गया मेरा काम भाई, मजा आया बट मुझको मजा नहीं आया क्या बोलूँ मैं थोड़ा पैदल पैदल चल रहा हूँ और वीडियो मतलब वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए शायद वॉइस आपका मतलब शायद दूसरा आवाज़ भी आ रहा है क्या। आ रहा है। चलो ये स्टार्टिंग का रूम था पहला, और इसी रूम में मुझे ब्लू रूम कार्ड मिल गया, ठीक है। और इस कार्ड के यूज़ से मुझे क्या क्या मिला है, इससे मैं 2 बार बॉम्ब शेल्टर वाला रूम ओपन किया हूँ और 1 बार रूम ओपन किया हूँ एयरपोर्ट का, ठीक है, 3 बार। और एयरपोर्ट का रूम जब ओपन करने गया था ना तब कितनी बार मरा हूँ, पहले 1 बार गार्ड से मरा हूँ, उसके बाद 2 बार टैंक से, 1 बार एमओ से, 1 बार बाजूका से, ठीक है। मतलब होता रहता है अपने साथ ऐसा। और जब रूम ओपन कर लिया फिर बाहर आते आते मास्क पहन और रेडिएशन से फिर मरा हूँ, लो यहाँ पर भी मरा हूँ मैं, क्या बोलूँ। चलो भाई जो भी हो, यहाँ पे बंदे जैसे मैं इधर से इसको मार रहा था, इधर एक और बंदा, ठीक है, 2 बंदे के बीच में फ़ायदा उठा रहा था यहाँ पे, इससे मज़ा आ रहा था, ठीक है। मुझे काम बहुत है गेम के अंदर, मुझे बहुत सा फार्मिंग वगैरह करना है पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ पे मज़ा बहुत आ रहा था भाई, लिटरली पता नहीं बंदे को खुन्नस चढ़ गई थी। बोलो पहले इसी को निपटाऊँगा करके, क्या ही दौड़ के आएगा देखना, मज़ा आ रहा है, चलो डैमेज नहीं जा रहा है मेरा काम। चलो कोई ना गाइस, यहाँ पे देखना यहाँ पे ग्लिच हो रहा है, मैं रिवाइव हो रहा हूँ ना, देखो पेसमेकर यूज़ हो रहा है, देखते रहना बस। चलो पेसमेकर यूज़ हो जा, हो गया। लो मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, और फिर जंप वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। लो फिर से नॉक कर दे उसने, उसके अनुसार मैं शायद खड़ा हो गया था बट मेरे फ़ोन में ऐसा नहीं हो रहा था। चलो भाई फिर से एक बार ट्राई करते हैं, और दोनों के दोनों पेसमेकर यूज़ हो गए यहीं पे। जी यहाँ पे मुझे लगा था वो बंदा आएगा इसमें बीच में, मैं थोड़ा इसका फाइट देखूँगा मतलब इसको मरते हुए देखूँ, बट वो वाला नीचे मतलब जो छत के ऊपर जो बंदा है वो नीचे आया ही नहीं है टीम गांडी, और ये टीम अप करते करते देखना कैसे मार देगा मुझको। मुझे मज़ा आया होगा, और देखो मुझे इसके अंदर अभी भी ये सामान मिल रहा है फालतू का,
अभी भी ग्रीन रूम के अंदर गन नहीं मिला, ठीक है, छोटा मोटा जो गन मिलता है SMG वगैरह वो मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब तक मैं एक्सप्लोर करूँगा, रेड टाइम एक बार आ जाएगा, उसके बाद शायद सामान मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। आज कुछ कुछ बेस पे रेड मारना है मुझको, इसलिए मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा जल्दी जाने का। दो फ़ोन से आज खेलने वाला हूँ, ठीक है। इस फ़ोन को अभी जाकर चार्जिंग में डाल दूँगा, जितना भी चार्ज है अभी 60% चार्ज है, जब मैं को जाऊँगा तो उससे ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये और तब तक मैं जाके पापा के फ़ोन से खेलना ट्राई करूँगा कि जो भी फायरिंग है उनके फ़ोन से हो जाए। और ऐसे तो मैं पीछे में मर जाता हूँ, बट ऐसे जो भी बंदे नॉर्मल मिलते रहेंगे, ठीक है, उनको मार के थोड़ा बहुत मिशन कम्प्लीट कर लूँगा मैं। हाँ, अपने यहाँ ऐसा ही होता है भाई। चलो गाइस तोड़ते हैं। और ऑपरेशन बेस नहीं खेल पाएगा इसके लिए सॉरी, बहुत सारे लोग ऑपरेशन बेस का वेट कर ही रहे थे, बट आराम से कभी खेलेंगे, ठीक है। ऑपरेशन बेस का पूरा सीरीज मज़ा आता है, लेकिन अगर अच्छे अच्छे सामान बना पाएंगे ना तो मज़ा आएगा, ऐसे ही मज़ा नहीं आता। अगर दो तीन लोग खेलते रहते हैं तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, ऑपरेशन बेस में सर्वर जैसा मज़ा आता है। फैटी भी गिल्ली छोड़ रहा है, देखो भाग गया था, तो ऊपर पहुँच गया, पता है ये छत, आप ऊपर जाओगे ना अभी, मतलब मिट्टी पे, मतलब पैदल पैदल जो ऊपर जाते हैं तो बनकर से ऊपर जाओगे, ठीक है, तो आपको ऊपर दिख जाएगा फैटी, बेचारा फैटी ऊपर पहुँच गया होगा। चलो उधर नहीं जाना अपने को, आज बहुत सारे स्टेयर कलेक्ट कर लिया मैंने, कलेक्ट पता है सिंपल एल्बम की ऐसी बना लिया है, फिर वर्कबेंच को एडवांस तक कर लिया है, और हाँ जो अपना एक्सक्लूसिव है उसका रेसी बना लिया है, तो भारी काम है, बस इतने ही काम है भाई। कितना इस पर लगा है, 1300 और अच्छा दिन 1200 बस। तो कुछ तो फ्री के स्पेयर थे, देखो मैं जा रहा हूँ ना, देखना पर्पल रूम में ही, अच्छा मैं बोला था नहीं दिखेगा बट दिख गया है, मतलब मैंने इसको भी ऐड किया है ना, कट किया है, बट हिल्टन वाला क्लिप आपको नहीं दिखेगा, बस जाते हुए क्लिप दिखेगा, जिससे जो बंदे को पता नहीं है ना कैसे जगह जाते हैं उनको ही पता चल जाएगा। ऐसे न्यूक्लियर के नीचे जाए कैसे, इसके ऊपर गाइड वीडियो बना दिया है, बट इसमें ज़्यादा लोगों ने क्या बोलते हैं उसको देखने का रुझान नहीं दिया, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं उसको, कुछ 198 के आसपास है, मतलब 200 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उनमें से 2-3 लोगों को ही पूरा फुल पता है कैसे जाना पड़ेगा, मतलब जिन लोगों ने देखा होगा तो पता चल गया होगा, अच्छे से देखा होगा जिन लोगों ने, और जिन लोगों ने बस ऐसे ही बस देखा होगा तो उनको तो नहीं पता होगा कैसे आते हैं। तो नीचे आप आओगे ना तो ऐसे ही आपका दिमाग सन्नाया हुआ होगा कि किधर जाए किधर ना जाए। चलो देखो, एक दो गोली मारोगे ना फैटी ऊपर चला जा रहा है, ये देखो गायब हो गया ना, ऊपर पहुंच गया वो, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं भाई, ये क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ जाए जान दो उसको, और इनको मारते रहो अच्छा, एक दो तीन, तीन गली में भी कंप्लीट, एक तो सॉरी तो और क्या आएगा, तो कुछ नहीं होगा आपका, अगर 150 के SP ऊपर है, ठीक है, 150 SP के ऊपर है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, मरोगे नहीं आप। देखो गाइस ये पर्पल रूम है, और यहाँ पे रूम में देखो लूट भरा पड़ा है भाई, लिटरली एडवांस अमोचर्स भी है, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लू रूम के अंदर कभी कोई लूट के भागा है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते ना रूम, वहाँ पे मिला नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ, एक ही बार रूम ओपन किया हूँ, कितनी मुश्किल से देखना, अभी मरा नहीं हूँ मैं, गार्ड मर गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार नहीं ज़्यादा मर रहा हूँ, ठीक है, मतलब दो बार मर चुका मैं टैंक के हाथों, किसी तरह बच के यहाँ पे आया था, एक बार गार्ड ने भी मार दिया मुझको, और ऐसे रूम लूटने के बाद बाहर जाऊँगा तो रेडिएशन देखो कितना चढ़ गया, फिर यहाँ पे एक बार और मरना पड़ेगा, पता नहीं मैं गेम खेलने आया हूँ कि मरने का मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, मतलब कभी कभी डाउट होता है मुझको भी क्या करें। उसके बाद बहुत मुश्किल से जो अपना बॉम्ब शेल्टर है वहाँ पे एक रूम मिला है, मतलब वहाँ का जो रूम है, ठीक है,
इसमें मुझको लूट मिल रहा है तो ये बढ़िया है अपने लिए। तो रहते हैं ऑन होने से पहले मुझे इसके अंदर बहुत सारा फार्मिंग रखना पड़ेगा फिर तभी काम होगा, पूरा आयरन सब बिल्ड करना पड़ेगा। चलो भाई वेंडिंग मशीन की बात किया था मैंने तो उसको तो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और वेंडिंग मशीन लगा लिया देखो ठीक है। और उसके बाद सिंपल वेलकम हेलमेट तो मिला नहीं है ठीक है, अभी भी मिल नहीं रहा किसी को। आज पूरा सिंपल वेलकम से रेड चलेगा भाई पूरा पूरा मज़ा आ जाएगा। तुम्हारे पास शायद 5-6 हज़ार के आसपास सल्फर है ठीक है, 5-6 हज़ार सल्फर है तो 3,000 GP बन जाएगा। 6,000 सल्फर से 3,000 GP बन जाए तो फ़ायदेमंद हो गए अपना काम। तो चलो भाई ये बढ़िया रहा था। आज कितने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, मुझे भी अजीब लग रहा है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो बोलने लायक है ठीक है मेरे पास, लेकिन अब धीरे धीरे आराम से बोलते हैं, एक ही बार में बोल दूँगा फिर मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे हुआ था। तो देखो आयरन का लेग गार्ड वगैरह तो इनको ना मुझे थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ेगा। देखो पॉइंट के बाद जो है ना उसको थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, 10-10 TK का कर दूँगा तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस टाइम पर एक बंदा आया था, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये क्लिप ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, एक बंदा है गाइस ठीक है, आप बैरल खरीदने आया तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो सोलो 2 जो है ना ये बंदा यहाँ पे कुछ बाय किया है अपने वेंडिंग मशीन से, मतलब बैरल बाय किया था, बढ़िया लगा मुझको। कुछ कुछ चीज़ें बाय हो रहा है अभी स्टार्टिंग है ना, जैसे बॉम्ब का कैसे मिल जाएगा एक बार तो बॉम्ब बनाऊँगा उसके बाद उसको भी सेल कर दूँगा, उससे मज़ा आ जाएगा, बहुत सारा ट्रेड टीड मिल जाएगा। अरे यार ट्रेड टिकट का मिशन भी कंप्लीट नहीं किया मैंने, छी अच्छा आज नहीं किया हूँ कल किया था शायद। हाँ एक देखो इस में ये तो मेन आईडी नहीं है इस गेम का, मतलब इस आईडी का ठीक है, फिर भी इसमें 150 होने वाला है, मतलब 120 के आसपास है, ज़्यादा है भाई 120 में बोल देते तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो अभी भी गन नहीं मिला ना, मतलब बॉम्ब नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला होगा बॉम्ब अभी तक, वरना सही से ही डालता। चलो फूल हो गया बैग, चलो ऐसे निकलते हैं। और एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बंदा है ठीक है जो सेलिंग पे डाला था है एक्सप्लोजिव को, मतलब सस्ते में दिखा रहा है 2000 सल्फर में, लेकिन जब जाओगे ना तो वो आसपास से घूम रहा है ठीक है, जाओगे तो मार देगा गोली। उसके पास मिनी यूजी है, आराम से एक या दो गोली लगेगा बस अपना, और इसमें ख़राब होगी तो आपका जो सामान है वो गिरेगा लूट ठीक है, मतलब वो फ्री का सामान उठाने के बैठा है। वेंडिंग मशीन के पास इतने ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दिया है ना कि क्या बोलूँ, फायर फ्लेम जो है वो लगा है ठीक है उसमें। चलो भाई जैसे फटाफट जाते हैं ग्रीन रूम के अंदर, और मैं उधर से जा ही रहा था बट वहाँ पे बीच में किल हो गया था, मैं वापस उसके बाद आया और यहाँ पे देखो क्या एनिमी है, उसके पीछा कर रहा था मैं बाहर से ठीक है, बाहर से ऐसे आया तो इसके पीछे कर रहा था मैं, छोड़ रहा था मज़ा आ रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई, मैं पैदल चल रहा हूँ फिर भी मैं वो क्या ही लगा है हेड, क्या ही पसीना हो रहा है पूरा बॉडी क्या बोलूँ, ये छोड़ो बदीने को, लेकिन ये मस्त है भाई ये ऑटोमेटिक खुला हो जाता है, अगर अच्छे गन होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर बढ़िया गन चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो गाइस ये है गाइस वो बेस, देखो एनिमी घूम रहा है आसपास, ये लो देखिए उसको, वो शायद कहीं जा रहा था क्या, तो घूम ही रहा है बस। इसके बेस को रेड मारेंगे तो बहुत सामान मिलेगा, लेकिन आयरन का है इसलिए रेड नहीं मारेंगे। और ये जो बंदा था गाइस ठीक है, ये जस्ट अभी रूम करके बाहर निकला, रेडिएशन से नॉक हुआ ठीक है, मैंने नहीं किया है नॉक उसको, रेडिएशन से नॉक हो गया था उसका सब कुछ सामान गिरा था, मिल गया मुझको। और यहाँ पे मैंने 120 स्टील से ख़रीद लिया अपना एक्सप्लोजिव, और इसका रेसिप निकाल लेते हैं 600 स्पेयर और चले गए हम लोग, ऐसे ही अच्छा हुआ। तो जैसे ही अपने बॉम्ब आएगा ना तो उसको डिस्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपना हो जाएगा बॉम्ब,
अरे टाइम पे ऑन रहोगा ना तो पूरे भी उसको आयरन से अपग्रेड कर दूंगा मेन मेन हिस्सा को, तो कोई बंदा बॉम्ब तो लगाएगा नहीं। और कैबिनेट तोड़ दूंगा स्टार्टिंग में, मैं आज पूरे कैबिनेट तोड़ दूंगा, 3-4 बॉम्ब लगेंगे। कितने कैबिनेट है मेरे पास? एक न्यूक्लियर से है, एक हार्डवेयर से है, एक एयरपोर्ट से है और एक है बॉम्ब शेल्टर से। ठीक है, टोटल 4 कैबिनेट है तो 8 बॉम्ब लगेंगे। अरे यार बहुत ज़्यादा बॉम्ब है यहाँ पर, 8 बॉम्ब में अच्छे खासे 20 रेड हो जाता है भाई लिटरली। जो भी होगा, 3 बॉम्ब तो मेरे लॉक में ऐसे सेफ में है और 5 बॉम्ब और बना लूँगा बस ख़त्म कहानी अपना। इस आज का जो भी बेस है वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत कुछ अपग्रेड अगर नहीं कर पाया तो बॉम्ब मार दूंगा उसमें, ख़त्म कहानी। आप जानते हो अगर कैबिनेट का टूटा हुआ ना तो फिर कोई रेड नहीं मार सकता। ठीक है, भले उसके पास कुछ भी हो, जानते तो हो गए सभी, जो भी नहीं पता उनको तो उनको कल के वीडियो में शायद दिख जाएगा। सबसे पहले कैबिनेट तोड़ना पड़ेगा मुझको।